हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स एप्लीकेशन का मतलब है ई रिटेलिंग करना, यानी कि अपने जो गुड्स और सर्विसेज को है वो कंपनी डायरेक्टली सेल करती है ऑनलाइन, और वो किस तक पहुँचाती है, कंज्यूमर तक। जो उनका प्रोडक्ट यूज़ करने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर। तो यानी कि जो कंपनीज़ हैं वो डायरेक्ट अपने सेल जो करती है अपने प्रोडक्ट्स का, वो डायरेक्टली अपने कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं। तो देर आर नंबर ऑफ कैटेगरीज इन विच वी कैन डिवाइड दीज एप्लीकेशंस। कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस चार वे में डिफाइन की जा सकती हैं। सबसे पहला हो सकता है आप पर्सनल फाइनेंस या होम बैंकिंग मैनेजमेंट की सर्विसेज घर बैठे ले रहे हैं। बैंकिंग मैनेजमेंट सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज आपको घर में मिल रही हैं, ठीक है, डोर स्टेप पे आपके अवेलेबल हैं। होम शॉपिंग, शॉपिंग तो हम करते हैं, तो अगर हम घर में बैठे ही शॉपिंग कर पा रहे हैं, दैट इज़ अनदर सब कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। होम एंटरटेनमेंट, इसमें गेमिंग्स एंड ऑल ये सब हमारे पास अवेलेबल रहता है। माइक्रो ट्रांजेक्शन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब एक बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे, जो मैं अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमारे पास रहता है पर्सनल फाइनेंस एंड होम बैंकिंग मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल द बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग और फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। कोई भी कंपनी जो मॉनेटरी टर्म्स में, मनी की टर्म्स में डील करती है, चाहे वो कोई बैंक है या कोई फाइनेंस से रिलेटेड, मॉनेटरी टर्म्स से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जब वो आपको सारी सर्विसेज घर में बैठे देता है, तो उसको हम कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस में गिनते हैं। इसमें बेसिक सर्विसेज आती हैं, जैसे आपको एटीएम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये सब। इंटरमीडिएट सर्विसेज आ सकती हैं, ऑनलाइन इंश्योरेंस ये सब करवाना। एडवांस सर्विसेज आ सकती हैं, बिल पेमेंट एंड ऑल, ये सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। कंज्यूमर अपने घर में बैठे बैंक सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, जिसमें आप नेट बैंकिंग भी कह सकते हैं, आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, तो कंज्यूमर अपने घर पे बैठा है, वो एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करता है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, चाहे वो डेबिट हो या वो क्रेडिट हो, चाहे आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है या आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। मतलब बैंक में यही दो काम आपके बेसिकली रहते हैं, आइदर आप किसी की पेमेंट कर रहे हो, लोन की पेमेंट दे रहे हो, या लोन की पेमेंट मतलब आपको कोई एफडी से आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो आपके अकाउंट में ऐड होगा, आप लोन दे रहे हो तो आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। इन सब को हम ट्रांजैक्शंस कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज तो रहती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो वो किसके साथ हमें जोड़ते हैं, बैंक सर्वर्स के साथ। इसलिए इसके लिए गेटवेज बने होते हैं, राइट, पेमेंट गेटवे जिसको कहते हैं। अगर आप नेटवर्किंग में जाएंगे तो वहाँ पे गेटवे का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट जो सभी लेयर्स में काम करे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कस्टमर ने रिक्वेस्ट की किसी ट्रांजैक्शन के लिए, बैंक सर्वर के साथ जुड़ा, और उस बैंक सर्वर ने उसको अलाउ किया, उस बैंक सर्वर से वो थर्ड पार्टी सर्विसेज यानी कि एयरलाइन टिकट्स खरीद सकता है, चेक्स दे सकता है, बिल पेमेंट कर सकता है। बिल पेमेंट आप आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आप टेलीफोन बिल्स ये सब दे सकते हो। उसके इंटर बैंक क्लियरिंग हाउस यानी कि अगर कोई आपकी लोन पेमेंट्स एक्सेट्रा हैं, इसके उसके भी आप पेमेंट कर सकते हो। रियल टाइम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्टॉक टिकर, अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ अप्लाई कर रहे हो, या आप शेयर म्यूचुअल फंड्स में हो, या आप कुछ बॉन्ड्स खरीद रहे हो, तो उन सब के लिए भी आप बैंक सर्वर के साथ घर में बैठे ही कनेक्ट हो सकते हैं। कोई सिप लगाता है कि म्यूचुअल फंड्स पे काम करता है। द नेक्स्ट इज़ होम शॉपिंग। शॉपिंग तो हमें पता है कि हमें प्रोडक्ट्स को ख़रीदना है, लेकिन यहाँ पे साथ में टर्म क्या आ गई, होम। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन अपने घर में बैठ के कोई भी प्रोडक्ट उसकी एडवर्टाइजमेंट देख के या अपने मेन्यू में से चुन के जो कैटलॉग दिया जाता है उसमें से वो परचेज़ कर सकता है। ये शॉपिंग वो टीवी पे अगर आपके जैसे होम शॉप 18 टेली ब्रांड्स इनका वहाँ पे टीवीज़ पे भी एक चैनल्स आते हैं, तो उनके थ्रू आप टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करके भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, या और ओवर द इंटरनेट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, क्लब फैक्ट्री, इनसे भी आप ये प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। सो इट कैन बी अ टेलीविज़न बेस्ड योर शॉपिंग, और इट कैन बी अ कैटलॉग बेस्ड। कैटलॉग मीन्स यू हैव डिफरेंट मेन्यूज़ अवेलेबल ऑन द अमेज़ॉन,
लाइक होम, घर के लिए डेकोर के लिए आपने शॉपिंग करें तो उसका अलग कैटलॉग होगा, आपने म्यूज़िक या होम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ परचेज़ करना उसका अलग मेन्यू बना होगा, तो उसको कैटेगराइज़ किया गया, उसका एक कैटलॉग मेंटेन किया जाता है, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ होम एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब आपको ऑडियो और वीडियो फैसिलिटीज़ दिलवाना, और जब होम आ गया तो मतलब आप घर में बैठ के ऑडियो वीडियोस देख सकते हो। पहले सिनेमा हॉल्स में जाना पड़ता था मूवीज़ देखने के लिए, नो यूट्यूब इज़ अवेलेबल, फेसबुक वीडियोस आर अवेलेबल, इंस्टाग्राम वीडियोस आर अवेलेबल, सो थ्रू विच यू कैन इंजॉय म्यूज़िक और वीडियोस, म्यूज़िकल MP3s, ऑडियोज़ और वीडियोज़ बाई सिटिंग एट योर नेटिव प्लेसेस, राइट। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नो यू कैन सी हेयर देर आर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब्ड दीज टाइप ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। आप भी एक सब्सक्राइबर हो। सब्सक्राइबर इज़ वट जो मंथली या ईयरली किसी चीज़ की पेमेंट करता है किसी चीज़ की सर्विसेज को पाने के लिए, तो यू आर बेसिकली सब्सक्राइबर। आप पे करते हो केबल टी वी वालों को तो वो आपको केबल टी वी के थ्रू चैनल्स आपके घर तक पहुँचते हैं, राइट। टेलको हो सकता है, टेलीफोन कॉरपोरेशन हो सकती हैं, आपके सैटेलाइट बेस्ड कुछ डिवाइसेज हो सकते, सैटेलाइट से आप इंटरनेट या सैटेलाइट से आप जैसे DTH है ऐसी सर्विसेज ले रहे हो, हाइब्रिड हो सकता है मतलब मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स हो सकता है, राउटर सिस्टम हो सकता है, वाईफाई या डिश यूज़ कर रहे हो, सैटेलाइट यूज़ कर रहे हो जिसके थ्रू आप इंटरनेट सर्विसेज ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। तो सब्सक्राइबर क्या करता है अपने सेट टॉप टीवी पे, यानी कि सेट टॉप बॉक्स पे क्या करता है, अपना कोई एक प्रोग्राम सेलेक्ट करता है, वो उसकी बिलिंग करता है कि मुझे ये वाला चैनल देखना है, लेट सपोज मुझे सोनी टीवी देखना है, तो वो उसकी बिलिंग करेगा सर्वर को, तो वीडियो सर्वर के पास वो पहुंचेगा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद, वो उसको डाटा प्रोवाइड करेगा और वो उसको केबल टीवी या सैटेलाइट के मीडियम के थ्रू सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि वीडियो आपकी स्क्रीन पर शो होना शुरू हो जाएगा। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ माइक्रो ट्रांजेक्शन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ अनदर पार्ट ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। इसके अंदर माइक्रो ट्रांजेक्शन्स के बीच में हम ये कहते हैं कि यूज़र जो है वो गुड्स परचेज कर सकता है ऑनलाइन, नॉट रियल गुड्स। अब यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुई है दैट आर वर्चुअल गुड्स, यानी कि वो जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो आपके घर में नहीं आ रही है, उसको आप मतलब फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, वो चीज़ें आप ऑनलाइन खरीद रहे हो, ऑनलाइन ही यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो सकता है कि आप कोई गेम है जैसे पबजी आप प्ले करते हैं आजकल, तो आप उसमें कोई गन खरीद रहे हो, इट इज़ नॉट फिजिकल गन, आपको गन घर के लिए नहीं दी गई, वो गन आप सिर्फ उस गेम पे यूज़ कर रहे हो। आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, उसमें आप कोई ऐड ऑन यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपके पास क्या है, सारा माइक्रो ट्रांजेक्शन्स के थ्रू है। आप कोई डिवेलपर हो, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप वेबसाइट बना रहे हो, कोई टेम्पलेट आपने ख़रीदा, कोई डिज़ाइन ख़रीदा, ये सब हमारे पास क्या आ जाती हैं, माइक्रो ट्रांजेक्शन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। होप सो आपको वीडियो समझ आया है और आपको ये ट्यूटोरियल क्लियर हुआ होगा कि कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा मर्सेंटाइल मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। थैंक यू।